हम परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की चरणों में प्रणाम करते हुए, मैंने जैसा आपको सुबह बताया था कि एक विशेष साधना है जो गुरु पूर्णिमा के दिन संपन्न करना है, लेकिन मैंने यह निर्णय लिया है कि जो गुरु कार्य करने के इच्छुक है, जो गुरु कार्य करना चाहते हैं, वो लोग निश्चित रूप से ये साधना करनी है। जिनको नहीं, अपना ही घर चलाना है, अपना संसार, अपना सब कुछ देखना है, वो लोग इस साधना को मत करें। क्योंकि मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे जीवन का नहीं और अपने चरित्र इतिहास भी बताता है। प्रभु रामचंद्र जी जब वहां से निकले तो वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ने निकलकर जब अत्रि महर्षि के वनवास चलते चलते अत्रि महर्षि के आश्रम आए तो महर्षि अत्रि से पूछते हैं, प्रभु ये वनवास मेरे को किस कर्म के कारण भोगना पड़ रहा है? तुमने कहा कि तुमने तुम्हारे कुलदेवत की पूजा नहीं की। कुलदेवत कौन है? तुम सूर्य वंशी होने के कारण श्री रंगनाथ आपके कुलदेवत है, जिसे अयोध्या भी कहा जाता है। लेकिन तुम जिस कार्य पर चले हो, राम राम रामे के नामे के रमे रामे मनोर में सहस्त्र नाम तत्म राम राम हराने कहा जाता है। रामचंद्र जी जब तक तुम्हारे हाथ में से 108 शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी, तुम इस वनवास से तुम्हारे पूर्व कर्मों से छूटेंगे नहीं। इसलिए तुम्हें चाहता हूँ कि तुम शिवलिंग की स्थापना करो। और हम देखते हैं कि जगह जगह पर रामचंद्र जी ने अपने शिवलिंग की स्थापना की है। और जब आखिर में माता सीता को उठा लेने के बाद जब वे आते हैं तो महर्षि अगस्त्य के पास आने के बाद उन्होंने भी कुलदेवत अपने कुलदेवत आदि के हृदय स्तोत्र का पाठ करवाया और कहा कि महर्षि अगस्त्य ने कहा कि हे राम, जब तक आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा यहाँ करते हुए शिवलिंग की स्थापना नहीं करेंगे तो रावण को जीत नहीं सकेंगे। रावण एक महान योद्धा और तांत्रिक है, उसको जीतना मामूली है और तंत्र के क्षेत्र में शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है। तुम्हें आप पुरुष भी हो, महापुरुष भी हो, विष्णु के अंश भी हो, लेकिन अगर गुरु कार्य और अपने को कुछ करना है, देवता पे कार्य करना है, निस्वार्थ रूप से जीना है, तो आपको कार्य करना होगा और इस शिवलिंग की स्थापना, शिवलिंग की पूजा आपको अपने जीवन में करनी ही होगी। तब महर्षि अगस्त्य ने जिस शिवलिंग के बारे में कहा था और समुद्र के किनारे जिस शिवलिंग की स्थापना करने की रामचंद्र से बात की थी, तो अगस्त महर्षि कहते हैं कि हनुमान जी बनानी जगह एक पार्थिव शिवलिंग में बना हुआ है जो आज बहुत दिनों के रहने के कारण मिट्टी से पत्थर बन गया है। तो उस शिवलिंग को लेकर आओ, मैं विशिष्ट मुहूर्त में इस शिवलिंग की स्थापना करता हूँ और रामचंद्र जी इस विजय को प्राप्त करेंगे और नए अयोध्यापुरी का और लंका का निर्माण करेंगे, जहाँ राक्षसों का राज्य चला जाएगा और अच्छे विष्णु भक्त का राज्य स्थापित होगा। इसके लिए उस शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करनी है, ऐसा महर्षि अगस्त्य ने कहा। ये हनुमान जी उस शिवलिंग को लाने के लिए प्रणाति पर्वत पर चले गए, लेकिन रावण को जब ये पता चला कि हनुमान जी रावण वहां जाने के द्रोणाचल पर्वत पर चले गए हैं और शिवलिंग को ला रहे हैं, तो उन्होंने अपने ही एक दूत को भेजकर कहा कि किसी भी तरह मूर्त पर उस दिव्य मूर्त पर वो शिवलिंग यहाँ न पहुंचे, हनुमान जी को तुम्हें रोकना है। हनुमान जी को बहुत रोकने की कोशिश की, वो एक कथा अलग है। फिर बाद में जब अगस्त्य महर्षि देखते हैं कि हनुमान जी उस मूर्त पर नहीं आ रहे हैं, तो स्वयं पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसको रामचंद्र जी के हाथ से स्थापना करवाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, रामेश्वर का लिंग आ गया है और उसके हाथ की पूजा दूसरे गुप्त रामायण में कहा गया कि स्वयं रावण ने ही उसकी स्थापना की थी और रामचंद्र जी के साथ विजय की कामना करते हुए उस शिवलिंग की स्थापना की थी। ऐसा ही नंबर दो हम देखते हैं कि जब विद्यारण्य स्वामी अपने गुरु के पास गए और कहा कि प्रभु, मैं ये जो यहाँ अपने सनातन धर्मी लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को मारा काटा जा रहा है, हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जिसके निर्माण के लिए इसका क्या करना है? मैं तो ये एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ, अच्छे सैनिकों की स्थापना करना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो भी उन्होंने वही कहा कि इस पार्थिव शरीर की तुम स्थापना करोगे और इस साधना को करोगे तो तुम नए साम्राज्य की स्थापना कर सकोगे। और विरूपाक्ष स्वामी के पास जिस भुवनेश्वर की बात आपने की है उसके साथ उन्होंने स्मरण करते हैं, नहीं तो कहते हुए कहा कि आज मैं शिवलिंग की स्थापना करना चाहता हूँ। और वो विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा का ही दिन था। इस गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने
स्थापना की और उस जब से शिवलिंग की स्थापना की उस दिन से आप देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेष रूप से हुई और हिंदुओं की रक्षा हुई। नंबर दो, नंबर तीन, मेरे जीवन का अनुभव कहता हूँ, जब मैंने पहली बार दिल्ली से 1997 में मिला था, सच कहता हूँ मेरे को रहने के लिए मैं किराए के घर में दो दिन में रहता था और दिल्ली ने पहली बार शुरू किया तो हम दोनों को पास में लेकर कहा क्योंकि तेरा सतरा का घर है। तो मैंने कहा नहीं भैया किराए पर रहता हूँ, किराए के घर में रहता हूँ। तो दिल्ली ने कहा कि देख शुरू कार्य है, शुरू कार्य करने के लिए आगे बढ़, बाकी का काम सब ठीक हो जाएगा। तेरे आंगन मेरे आंगन में लक्ष्मी नाचती है तो तेरे आंगन में भी लक्ष्मी नाचेगी और वो बात सिद्ध होगी। अब जिस दिन गुरु जन्म दिवस के पहले दिन में यहाँ यह जगह ये जगह केवल यहाँ क्या और अभी आप सुनते थे ऐसी जगह मैं आया था, यहाँ कांटे का दोष थे जब मैं आया उसको साफ करके करने के लिए और यहाँ भूमि पूजा की तो सभी को पता है एक 200 लोग बैठे इतना एक हाल बनवाया, एक ही हाल 200 लोग बैठे ऐसा एक हाल बनवाया और यहाँ रहने के लिए जो पहले पहले लोग आए थे उन लोगों के उन साधकों के साथ यहाँ बनवा कर पहले तो कोई नहीं आया, बाद में धीमे धीमे जब आने लगे तो ये वो हाल में हमने एक कार्यक्रम आरम्भ किया। जैसा ही ये हाल बांधा और मैं किया तो पहली बार मैंने शिवलिंग की स्थापना की। आज यहाँ के लोग तो साक्षी है ही है, उदय महाराज भी है, हमने उस शिवलिंग की स्थापना करते हुए वहाँ पहली बार सत्संगी का पाठ करवाया था जो झोपड़ी थी और आवाज से उड़ जाती थी, झोपड़ी में शिवलिंग की स्थापना की थी जहाँ आज आप गुरु मंदिर देख रहे हो। और जिस दिन वो शिवलिंग की स्थापना हुई तो वहाँ एक आश्रम भी पड़ा, मेरा घर हैदराबाद में हुआ, हैदराबाद में घर जो हुआ वैसा वैसा नहीं हुआ, बहुत सुंदरता से हो जो कि मेरे कल्पना के बाहर था। जो गुरु कार्य करता है, गुरु जी कहते हैं कि तुम मेरे लिए 1 रुपया खर्च करो मैं तुम्हें 10 रुपया दूंगा, लेकिन निस्वार्थ रूप से। और उसके लिए जो शिवलिंग की स्थापना करता है, जो शिवलिंग को गुरु पूर्णिमा के दिन करता है, हमने गुरु पूर्णिमा की यहाँ शिवलिंग की स्थापना की और जैसे जैसा पूजा होता सचिन और रुद्रजी जी का पाठ हुआ, पहले शिवलिंग की स्थापना हुई, बाद में गुरु जी की स्थापना हुई, बाद में हम उस शिवलिंग का नाम भी निकलेश्वर शिवलिंग के नाम से ही उसकी स्थापना करते हुए उसे रुद्रचंडी का पाठ हमने करवाया। और ये जो आगे का कार्यक्रम हुआ आप सबने देखा है, आज जो आश्रम बढ़ा है आज 22 साल हो गए जहाँ कितने शिवलिंग की स्थापना हुई और क्या हुई। मैं कहता हूँ जो लोग चाहते हैं कि आपको एक सुंदर सा घर हो और गुरु कार्य आपके हाथ से हो, आप एक महान बने, 10 लोगों को मैं सहायता कर सकूं, ऐसे जो इच्छुक साधक है केवल वही आज इस साधना को गुरु पूर्णिमा के दिन ले और करें। वो लोगों के लिए मैं उस साधना की सामग्री रखा हूँ, वो लेकर आ गया, मैं भी साधना कर लूँ आपने साधना। मैं जैसे आपने आपको सुने कहा आज मैं टीम के घर में आपको रहने के लिए और अगली बार जब आऊंगे तो बंगला बांधूंगा मेरे साधकों के लिए, स्वामी विवेकानंद के भक्त के लिए। जो लोग गुरु कार्य करना चाहते हैं वो लोग आज की इस गुरु पूर्णिमा की उस पार्थिव शरीर की पूजा करो, मेरे जीवन का अनुभव है। मैंने ये आश्रम नहीं, आज एक आश्रम से 10 आश्रम में 10 से 20 आश्रम होंगे, कल आज 50 भी होंगे, अमेरिका लंदन जैसे जगह की शिवलिंग बांधने के बाद हमें हिंदू जनता केंद्र की स्थापना शाखाओं में हो रही है। केवल यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन उस शिवलिंग की जिसने स्वामी विश्वेश्वरानंद जी को गुरु ने समझाया था और वही कार्य गुरु ने मुझे करवाया और मेरा अनुभव है कि पहले यहाँ शिवलिंग स्थापना हुई पार्थिव शिवलिंग की, हमने मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यहाँ पूजा की थी। बहुत सारे साधकों को पता है मिट्टी के फूल के ऐसे शिवलिंग बनाकर हमने यहाँ पूजा की थी और उस शिवलिंग की स्थापना जिस दिन हुई उस दिन गुरु कार्य हुआ। जो लोग इच्छुक है कि हमारे हाथ से शिविर हो, हमारे हाथ से गुरु कार्य हो, हमारे हाथ से गुरु जी का आश्रम हो, ऐसे लोग साधना सामग्री लेकर आए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, साधना करवाऊंगा। जिनको यह कार्य करना है हुआ है वो लोग लेकर आ जाए, मैं उन सभी के लिए ये कार्य करवाने के लिए तैयार हूँ। जो लोग ये साधना को करो, केवल वही लोग जो गुरु के प्रति निष्ठा रखते हैं और गुरु का आश्रम बांधने की इच्छा रखते हैं, गुरु कार्य करने की इच्छा रखते हैं, वो लोग ही केवल। ऐसा कभी नहीं हुआ, अगर विजयनगर साम्राज्य से साम्राज्य स्थापन होता है, सिद्धासन से स्थापना होती है, एक अकिंचन मेरे पास कोई पैसा नहीं था, उससे मैं आज वहां भी घर बन जा, मेरे गांव में भी घर बन जा, जैसा जैसा गुरु कार्य करता गया उसके दशपति से गुरु ने मुझे सब कुछ दिया। और मैं कहता हूँ जो गुरु कार्य करना चाहता है तो निश्चित रूप से इस आपको आशीर्वाद देता हूँ। केवल गुरु कार्य करने वाले साधक
अभी साधना को संपन्न करने के लिए आगे आ जाए, अभी वो साधना आपके सामने संपन्न करवाऊंगा। I think that's the one.